कलाम मेमोरियल वहाँ फोन अलाउड नहीं और इतना जबरदस्त डॉक्टर अब्दुल कलाम की ना। अच्छा, वो देख लिया मैंने आते टाइम देखा, बाहर से देखा कि बाहर से देख कर आया हूँ, बाहर से देखा ना, वहाँ अंदर से देखना और मतलब इतना दिल खुश होता है ना जाके वहाँ, बहुत ज़्यादा। फोन अलाउड नहीं है वहाँ, फोन आपका रखवा देंगे। गोप्रो अलाउड है? कुछ भी अलाउड नहीं है, गोप्रो लाया हुआ मैंने, किसी भी तरह का कैमरा अलाउड नहीं। यहाँ से ये वेस्ट गेट आ गया, वेस्ट टावर एंट्रेंस। सुनसान जगह पे ये छोटा सा ओशियन है हमारा सामने, देख रहे हो ओशियन है। और अभी होटल है, अभी चलो प्रेशर मार के दिखा शलांग कितना गहरा है और ये है कोई ग्रैंड दी हट्टी फूड प्लाजा, पता नहीं क्या है अभी जा रहे हैं अंदर, कह रहे हैं इंडियन फूड। साउथ इंडिया का बेस्ट नॉर्थ इंडियन होटल। अच्छा, बेस्ट साउथ इंडिया का बेस्ट नॉर्थ इंडियन होटल, अमेजिंग यार। कुछ ये एम्बियंस है अंदर का, और ऑर्डर करते हैं कुछ, देखते हैं अब क्या मिलता है। अच्छा, तो ठीक है, थोड़ा मौसम भी ठीक है, थोड़ा ठंडा ठंडा मौसम है ना, हवा हवा चल रही है। एक एक्सपीरियंस है, एक नंबर दो नंबर इजी हो जाता बंदा ना, हल्का होता ना, है ना, होता ना फीलिंग है कि नहीं, जो नॉर्थ में खाना खाते हैं उससे एक दो नंबर मुश्किल होता है। अच्छी है, मतलब हेल्दी हेल्दी चीज़ है ना, हेल्दी चीज़ एटमॉस्फेयर के हिसाब से हमें ऐसा खाने इसलिए, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस करी है चीज़ दो तीन दिन में, आपने नहीं करी, हमें थोड़ा जल्दी फिर भूख लगाती है, इसलिए मैं थोड़ा खाना स्ट्रॉन्ग चाहिए बढ़िया। शानू तेरा कैसा एक्सपीरियंस है? साउथ इंडियन अच्छा खाना कि नॉर्थ इंडियन? नॉर्थ इंडियन, नॉर्थ इंडियन एक्सेप्शनल खाना हो तो साउथ इंडियन, डेली खाना तो नॉर्थ इंडियन। तो आप कब आए थे, किस साल में आए थे यहाँ पे? मैं 2017 में आया था। जल्दी मतलब अभी आए हो? भैया जो मेरे ओनर हैं वो 17 साल पहले आए थे। अच्छा, तभी एस्टेब्लिश कर पाए अपना? ये 3 साल हो गए इसको ओपन की। अच्छा, बाकी 17 साल से कंपनी है उधर तूतुकुड़ी में। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट पड़ता है ये सर, कन्याकुमारी जो रास्ता जाता है ना। हाँ हाँ हाँ, जाता है बिल्कुल बिल्कुल। तो वहाँ पे कंपनी है, उसमें कंपनी में पेट फूड पेट टॉयज। जॉब करते हैं कि मतलब कॉन्ट्रैक्ट? नहीं, कंपनी खुद की कंपनी खोल ली है। वेरी नाइस, भैया तो उधर ही हैं। अच्छा, तो ये भाई सारे सहारनपुर से हैं, और इन्होंने भाई बड़ा अच्छा लगा देख के कि भाई साउथ इंडिया से मतलब इतना अपना नाम कमा रहे हैं साउथ इंडियन, साउथ में राज राज कर रहे हैं। आप ही टेबल देखिए, वो टेबल बताते हैं। और बाकी एम्बियंस बड़ा अच्छा है, बड़ा हैपनिंग प्लेस है काफ़ी ज़्यादा एम्बियंस का, और काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे आके। ये टेबल कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग है। अच्छा, ये वुडन है? हाँ, और वेट पूरा ये टफन लगाया ना। हाँ, सही है। चलो देखते हैं क्या ऑर्डर करना, क्या खाना है भाई बताओ, फिर मंगवाओ भाई। आ गया भाई फूड हमारा, ये राजमा मंगवाए मैंने, और राजमा कौन से, पंजाब वाले? हाँ, वो पंजाब। अच्छा, तेतरे राजमा ना, तेतरे राजमा कहते हैं उसको। ये पनीर नान और ये सलाद आया भाई, तो बाकी शुरू करते हैं खाने के बाद मिलते हैं आपको। ठीक है, तो करो शुरू भाई फिर, खाना खा के मिलते हैं आपको। भाई खाना ज़बरदस्त, बड़ा ज़बरदस्त खाना था, ऊपर से जो भाई ने जलेबी ऑफर करी है वो तो मतलब ट्रेमेंडेंस है यार, मतलब नेक्स्ट लेवल। अब खाट लगाओ और यहीं पे सो जाते हैं, ये वो लोग भी अलग ही होने वाले। हाँ, नेक्स्ट लेवल। ये पूल है भाई, छोटा सा पूल बनाया, वो छोटा पूल है बट अभी पानी नहीं है इसमें। जो भाई मेरे कसोल से देख रहे हैं, ये देखिए साउथ उनके उनके रिलेटेड मटेरियल मिलता है यहाँ पे, ये देखिए। सो अगर आप चाहते हैं तो हम आपको यहाँ पे एड्रेस दे देंगे, आप यहाँ से आके ले सकते हैं। ऑर्गेनिक मिल्क, क्या बात, ये तैयार कर रहे हैं हम पीछे रेलवे ट्रैक। अच्छा, ये पूरा एसी वाला बना है, और यहाँ भाई ये बंदे सारे अपने ही हैं उस एरिया से सब, और क्या खाना बनाया था, बहुत मज़ा आया। और बाकी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मौसम चेंज होता रहता है बार बार यहाँ पे,
मतलब अच्छा ये पूरा पूरा एरिया ना इनका ही है। ये जगह है हमारी बिल्कुल एपीजी मेमोरियल जो है ना उसके अपोजिट है ना। हाँ जी हाँ, जो मतलब अब्दुल कलाम आज़ाद वो जो उनका मेमोरियल बनाया गया है उनके नाम पर एग्जीबिशन हॉल, तो उस पर बनाया गया। अब जाएंगे अगर उधर भी टाइम लगा तो। हाँ हाँ अभी जाएंगे। तो बाकी वीडियो बनाना लाउड तो है नहीं, बाकी हरियाणा से बंदे थे भाई बड़े सारे अपने भाई सारे, तो वो खाना खुना खा रहे हैं, चलो डिस्टर्ब नहीं करते उनको। बाकी दिल्ली फूड प्लाजा के नाम से आप आ सकते हो रामेश्वरम जब भी आओ, वो ज़्यादा नहीं है, यहाँ पे बस स्टैंड आप उतरोगे ना बस उसी के अपोजिट आपको मिल जाएगा ये दिल्ली फूड प्लाजा के नाम से। और बंदे बड़े ज़बरदस्त भाई है, बड़ी सेवा की है यार, मतलब बिल्कुल बाहर वाला फील नहीं हुआ, बिल्कुल अपना फील हुआ कि भाई घर पे खाना खाया है, बाकी मज़ा आया। बाकी ये पेड़ है देख लो, नारियल के पानी है, ऑर्गेनिक फार्मिंग, वैसे जो चेन्नई है यहाँ पे तो ऑर्गेनिक फार्मिंग ही होती है ज़्यादा, और लोग भाई एडवांस फार्मिंग है यहाँ पे, ये देखा है मैंने आते टाइम भी, देख रहे थे हम, देखा कितना किया हुआ है। बाकी ये भैया हमारे जिनका मतलब जो होटल है, और जब भी आप आओ मस्ट विजिट भाई, कोई बाहर वाला नहीं है, अपना भाई भाईचारा बिल्कुल यहाँ पे, और बिल्कुल नॉमिनल चीज़ें, मतलब जो आप चाहोगे ना, जो आपके मन पे जो मनपसंद चीज़ें आपकी हैं, हाँ वो मिलेगा आपको बिल्कुल डेफिनेटली मिलेगा। और बाकी आप कुछ बता दो भैया बोलना चाहते हो अगर, हाँ शर्मा नहीं रहो बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, बस यही है भाई साउथ में सर में खाने की तो प्रॉब्लम है, घर से निकलने के बाद खाने की बड़ी प्रॉब्लम है। घर वाला खाना मिलेगा आपको, घर के खाने को आप मिस नहीं करोगे, अगर आप साउथ इंडियन चाहते हैं तो साउथ इंडियन मिलेगा। अभी देखो हम वैसे तो हम मतलब रामेश्वरम मेन में ही खड़े थे, बट वहाँ से स्पेशल एफर्ट लेके हम यहाँ पे आए हैं, तो इट मीन्स अ लॉट कि भाई कुछ तो कुछ खास होगा तभी आए हम दो ऑटो लेकर। तो रामेश्वरम का बेस्ट वैष्णो ढाबा आपको यही मिलेगा, इसके अलावा कोई नहीं मिलेगा। हाँ, रामेश्वरम जो टोटली वेज सर्व करता है जी, और बहुत ही अच्छा खाना था भाई, जबरदस्त टेस्ट था। हाँ बिल्कुल, और जो हॉस्पिटैलिटी थी वो तो भाई घर वाली थी बिल्कुल, उसमें कोई चेंज था ही नहीं। अपना कोई दिखता है ना तो होता ही है, फीलिंग आती है, इमोशन जाग जाते हैं अंदर। मामा जी आए थे हमारे पिछले साल, उन्होंने हाथ भी लगाया, मैं बता तो रहा हूँ आपको, कल भी मैं बता नहीं रहा था आपको चेन्नई सेंट्रल उतरा, वहाँ पे वेजिटेरियन फूड मिल रहा था, मतलब दाल चावल सब मिल रहा था, बट वो मुस्लिम ढाबा था, वहाँ पे वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन दोनों था, तो कड़छी वगैरह लगी जाती है, तो इसलिए वहाँ पे मतलब, तो मैंने फिर वो छोड़ कर फिर मुझे मजबूर होकर मुझे वो इडली सांभर खाना पड़ा, तो बस यही है। इस चीज़ को मिस नहीं करेंगे साउथ में आके, ये मतलब एक्सपीरियंस रहेगा, और बड़ा मज़ा आया, लिटरली मज़ा आया, और बाकी जितने दिन हैं यहाँ पे बस यहाँ पे आते रहेंगे और खाना खाते रहेंगे। खाना खाते क्या है, उधर से जो लोग आते हैं तो उन्हें भी लगता है भाई हमारी फैमिली मेंबर है, बिल्कुल ऐसे ही। नहीं भाई अपने अपने उधर के लोगों को सपोर्ट करो, मैं तो ये कहता हूँ, बिल्कुल। जितने भी मेरे बाइकर फ्रेंड्स देख रहे हैं जो मेरे ग्रुप के बंदे हैं, नेक्स्ट ट्रिप आएंगे ना बाइक पे आते हैं हम, बिल्कुल डेफिनेटली यहाँ पे हम रहेंगे। हम हमारा ट्रिप होता है कश्मीर टू कन्याकुमारी रामेश्वरम होते हुए, तो डेफिनेटली हम यहाँ पे आएंगे। और बाकी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करनी है, और प्यार बनाए रखो बस, आपको भाई की सपोर्ट और भैया को भी सपोर्ट करो, ताकि हर हर माह। तो अभी जा रहे हैं हम बीच पे, अभी काफ़ी खाना खा लिया था, उधर ही बैठे थे सारे भाई लोग अपने से, और उसकी वीडियो भी आपको चैनल पे मिल जाएगी, और खूब प्यार दिखाओ, और जब भी आप मतलब रामेश्वरम आओगे तो प्लीज़ उस जगह ज़रूर विज़िट करना, बहुत ही अच्छा खाना और बहुत ही अच्छा जेस्चर, हॉस्पिटैलिटी तो एक नंबर भाई, पैसे तक नहीं ले रहे हमसे वो भाई, तो ज़रूर आओ, बाकी अपनी घर जैसी फीलिंग आएगी आपको वहाँ पे, और आपको दिखाते हैं हम नज़ारे, और नज़ारे देख के तो मैं भी चौंक गया काफ़ी ज़्यादा। ये नज़ारे 2016 में देखे थे, तब मेरे पास फ़ोन नहीं होता था जिस समय वीडियो नहीं बनाता था, तो अब देखो ये देखो समंदर के किनारे, इसके लिए पुकारे। ये थोड़ा सा आई थिंक सामान वगैरह प्रसाद वगैरह भी मिलता है यहाँ से, प्रसाद है ना ये, शंख है, शंख है, और ये वो देखो शिप भी है यहाँ पे, ये तो वो बोले शिप है ना, ये मछुआरे हैं ना, सारे मछुआरे हैं। हाँ।
उधर वो घूमने वाली चीज़ों को अच्छा। लास्ट राइड जा रही है, अच्छा क्लोज हो गया, लास्ट राइड है बस ये आई है अभी 5:30 बजे लास्ट राइड। उधर से राइड पे जाते हैं? हाँ वो राइड के लिए। अच्छा ये बीच है, देखिए भाई। और जहाँ इंसान पाए जाते हैं वहाँ गंदगी भी पाई जाती है, तो ये उसका कुछ नमूना है आप देख सकते हैं। गंदगी इंसानों के साथ साथ चल रही है क्योंकि इंसान ज़्यादा समझदार है ना दुनिया में, इसलिए। ये बीच है भाई, ये देखो यहाँ पे सामने राइड जा रही है, यहाँ से जेट्स की लाइफ जैकेट के साथ है ना। हम यही रहता है, ये प्लास्टिक का हम पकड़ेगा आपको पक्का। निकालना मोती, ये निकालो, ये थोड़ा निकालो, वहां से निकली का पहचान बता। व्यू तो आपको दिख ही रहा है यहाँ पे, कैसा लग रहा है? आई थिंक जूम इन कर लेता हूँ इसको, हाँ ठीक लग रहा होगा। बाकी प्रक्षित भाई क्या बोलना चाहते हो, कैसा माहौल है यहाँ का? बहुत अच्छा माहौल, तो हर हर महादेव बोले बाबा की जय। हम जा रहे हैं समंदर के अंदर एंटर होते हुए, और गहरा तो नहीं है? नहीं नहीं, आगे इधर आगे पूरा हो जाएगा नाइट, तो वहाँ तक हमें नहाना नहीं है, सुबह तो आगे तक जाते हैं। तो और हम ये आसमान की ऊंचाइयों में, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा। ये गेट बने हुए हैं यहाँ से, ये गेट है, और ये लोगों ने जोत जलाई है यहाँ पे, और इसके पीछे जैसे पिंडदान करते हैं, जैसे हरिद्वार में पिंडदान होते हैं वैसे जोत जलाई है हमारे। और ये जितनी भी आपको शिप्स दिख रही हैं ये सारी की सारी मछुआ रहे हैं, फिशिंग कर रहे हैं, हाँ। और ये इंडियन ओशन है हमारा, इंडियन ही है ना? नहीं, ये बे ऑफ बंगाल पड़ती है, ये बे ऑफ बंगाल पड़ता है ना इस साइड, जो हम धनुषकोड़ी जाते हैं तो वहाँ राइट साइड पे इंडियन ओशन है और लेफ्ट साइड पे बे ऑफ बंगाल है। अभी हम धनुषकोड़ी से लेफ्ट साइड पे खड़े हैं। अब ये शिप एक जगह पे स्टेबल कैसे है, इसका मतलब इन्होंने बीच में वो, अच्छा अच्छा हाँ हाँ लोहे का वजह। ये देखो ये रस्सी दिख रही होगी आपको, हाँ। तो अच्छी वीडियो बनाने, तो ये कुछ समंदर के नज़ारे, नहाना नहीं है वैसे, सुबह ही आएंगे जब हम करेंगे, तो फिर सुबह यहीं पे स्नान करके इसको अग्निकुंड बोला गया है, जाएंगे वहाँ पे, फिर वहाँ पे अग्निकुंड बोला गया है, पहला स्नान यही होगा। अच्छा, अग्निकुंड यहाँ पे होता है जी। देन उसके बाद 22 कुंड अंदर है। अच्छा आप बताओ क्या क्या होता है पहले? पहले हम यहाँ अग्निकुंड में आके स्नान करेंगे, ठीक है, समुद्र को अग्निकुंड माना गया है यहाँ के रिचुअल से। उसके बाद फिर हम वापस मंदिर जाएंगे, मंदिर के अंदर 22 कुंड बने हुए हैं, पवित्र कुंड, बारी बारी उनमें स्नान करके उसके बाद हम महादेव के दर्शन के लिए लाइन में लग जाते हैं। अच्छा बाकी का प्लान कल का कल दिखाएंगे, फिलहाल तो अभी बीच पे घूमने आए थे। बाकी आगे पीछे की मार्केट आपको थोड़ी दिखाते हैं, लोग यहाँ पे वैसे नहा भी रहे हैं शायद, इंजॉय कर रहे हैं बीच पे। ये बस बढ़िया नमकीन पानी है क्योंकि 7 बजे बंद हो जाता है। अच्छा अलाउड नहीं फिर यहाँ पे? नहीं यहाँ अलाउड है, मंदिर में जाना अलाउड, मंदिर में जाना अलाउड नहीं। अच्छा ठीक है, तो पूरी की पूरी वीडियो अनकट आपको मिलेगी मेरी यूट्यूब चैनल पर। वीडियो अच्छी लगे ना लगे कुछ ना कुछ लाइक सब्सक्राइब करके जाना, और मोटिवेशन दीजिए ताकि इससे अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाए ताकि चैनल ग्रो कर सके। जो भी मेरी बाइकर कम्युनिटी देख रही है उनको बोलो कि भाई जो भी है आगे वीडियो शेयर करो ताकि रीच बढ़ पाए। ये देखो ये वाला ब्लू शिप, ये ब्लू शिप ब्लू क्या कर रहा है नाव? ये भी घूमने वाला है ना, घुमाने वाला? हाँ ये। इस कितने की राइड है इसकी? हमने पता नहीं किया इसका राइड का, पता नहीं किया। बड़ी गंदगी देखो भाई लोगों ने जो मचाई है यहाँ पे। अक्कल नहीं है लोगों को, ऐसे देख लिया मैंने ना, है ना? हर जगह हरिद्वार हो चाहे ये हो, हर जगह लोगों ने ना गंद मचाया ही है। बाकी शानू आ गया, शानू आ गया, जरूरत थी भैया का दूसरे वाला फोन भी लिया ले, चल अच्छा किया, ठीक है। शानू को पूछते हैं, शानू ने 3 दिन आके क्या क्या किया, शानू यहाँ पे क्या सीखा तूने, क्या करना है? सबसे पहले तो लैंग्वेज, हाँ तमिल सीखनी है मुझे। तमिल सीखनी है? सीखनी है।
हिंदी सिखानी है, हिंदी सिखानी है। हाँ ये होती ना बात। और यहाँ का क्या, आप मेरे से पहले दो दिन थे यहाँ पे, क्या किया आपने यहाँ पे? सबसे पहले तो हमने भोलेनाथ को दर्शन किए हैं, उसके बाद हमने रामेश्वरम को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लोर किया है। अच्छा। बीच घूमे हैं, बाजार में घूमे हैं और कुछ लोग यहाँ काफी अच्छे। और कल हमारा लास्ट डे है यहाँ पे, तो कल हम दोबारा से वही चीज़ दोहराएंगे जो आप दोनों पहले दोहराते थे जी, ठीक है। और बड़ा ही अच्छा मिसमराइजिंग मौसम है काफ़ी ज़्यादा, और अच्छा फील हो रहा है। वैसे पहले भी हम आए हैं बट तब वीडियोज नहीं बनाई थी हमने, फ़ोन भी इस लेवल पर नहीं होते थे तो, लेकिन इस बार थोड़ा मज़ा आ रहा है क्योंकि मेमोरीज रिकॉर्ड हो रही हैं फ़ोन में। और ये गेट्स मैंने आपको पहले भी दिखाए, अब इन गेट्स का क्या इम्पोर्टेंस है वो मुझे पता नहीं, तमिल में लिखा है, इसको हम गूगल करके बता देंगे आपको क्या लिखा है इस पर। साइड में हिंदी, हम ये आसमान की गहराइयों में चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा, और अभी काला चश्मा लगा के दिख भी नहीं रहा, बट क्या करें, कंटेंट अच्छा होना चाहिए, फोटो अच्छी आनी चाहिए, कॉपीराइट आ जाएगा। क्या चीज है शॉप है शायद, है ना? हाँ शॉपिंग शॉप है, यहाँ से प्रसाद वगैरह कुछ आई थिंक, पता नहीं कुछ मिलता होगा।